आप चुनाव के लिए खड़े हो और बहुत सी कठिनाइयों को सामना करके आपको आगे जाना है, तो कौन सी दिक्कतें आ रही है और ये चुनाव आपके लिए किस तरह से आसान रहेगा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 20 साल से मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें पानी आता है। यहाँ पानी नहीं ला सके, तो इसके लिए सबका यहाँ था कि यहाँ कोई विजन वाला आदमी चाहिए जो पानी ला नहीं सकता है उसके लिए। बाकी विजन तो बहुत दूर की बात है, जिससे आप IT इंडस्ट्री रहेगा सब जगह। ये चुनाव अपक्ष से जरूर हूँ, पर यहाँ सभी पक्षों का सपोर्ट है, सभी जनता का सपोर्ट है, इसलिए ये चुनाव अब यहाँ से आगे आसान होते जा रहा है। क्योंकि सर, जिस तरह आप खड़े हैं, अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं, आपके सामने कई सारी चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि महायुति, महाविकास आघाड़ी और दूसरा जो लास्ट वाले जो कैंडिडेट है वो पूर्व खासदार रह चुके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए टफ भी होंगे ये सारा चुनाव। अपक्ष के लिए चुनाव बहुत टफ होता है, परंतु यहाँ पर विकास के मुद्दे पर बोलने वाला या विजन वाला कोई कैंडिडेट नहीं होने के कारण सभी पार्टियों के जो अंदर नाराजगी है, आपको तो पता ही है, BJP के अंदर या जो भी अंदर नाराजगी है, सभी का अंदर से सपोर्ट है। सभी का बोलना है कि ये शहर का विकास के लिए एक अच्छा चेहरा चाहिए। और आपको तो पता ही है, जो भी का अगर मैं जीत के आता हूँ तो सेंटर में आदरणीय मोदी जी को ही सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ से कमल खिलने वाला आप बता दिया था मिजी शाह साहब ने, तो कमल यहाँ से खिलना चाहिए। और कमल तो पानी में खिलता है, कहीं बाटली में खिलता नहीं। लोगों का कहना है कि कोई नया चेहरा होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं ये दिग्गज तो है, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम होना था वो हुआ नहीं। एक लोकशाही का नियम है, अगर आपको विकास चाहिए तो बदलाव होना जरूरी होता है, और बदलाव ऐसा चाहिए जिसको डीप नॉलेज हो, जिसको पूरे उसका वहाँ विजन के साथ वो ला सके और वहां से ला सके। यहाँ तो ऐसा है, 2 उम्मीदवार तो हमारे पास ऐसे हैं, उनको पार्लियामेंट की स्पेलिंग भी ना आए, तो इनके लिए विकास आएगा ही नहीं। विद्यमान खासदार जो है उनका कहना है कि पार्लियामेंट में उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं कैसे हुआ। होगा, वो तो वो वहां उठाएंगे, पर उनकी पार्टी अलग है, उनका सेंटर अलग है, उनकी गुलामी हैदराबाद से है। यहाँ पर आने वाला सांसद ये सेंटर का ज्वाइन होना, डबल इंजन चाहिए, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। जी, अक्सर देखा जाता है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं वो जाति के नाम पर हो रहे हैं, कहीं मराठा, कहीं OBC, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी चुनाव होगा ये किस आधार पे होगा? नहीं, आज तक 25 साल से ये किया है, पर आप लोग हमारे युवा और सभी आप जैसे होशियार हो चुके हैं। अभी ये जो चुनाव जाति पाति पे नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं अभी खुद भी OBC भी अगर हूँ, फिर भी मैं 18 पकड़ जाति को लेकर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए कोई कैटेगरी होती नहीं है। लोग मेरे पे ब्लेम करते हैं कि आप OBC हो, ऐसा है वैसा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तुम डॉक्टर को जात में डाल रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सभी समान है। मेरा खुद रक्त जलता है जब मेरे शिवाजी महाराज के वंश होने के कारण यहाँ का जो हमारा मराठा का क्रांति हो रहा है, उनके प्रश्न दिल्ली में मांट कर उनके लिए झगड़ कर यहाँ पर यहाँ का मदद कर सकता हूँ, ऐसा मेरी इच्छा है।